हरियाणा एक अनोखा प्रदेश, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता अपने आप में ही एक इतिहास समेटे हुए है। इस राज्य का एक हलका बेरी, इस बेरी हलके से विधायक के चुनाव के लिए आपके बीच कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, युवा, मेरा भाई, आपका बेटा सुनील कुमार बल्लू पहलवान। आंखें ऊंची कर देख, शिखर हथियार उठा, तू दिखा हुनर, मुट्ठी में तेरी है ताकत, दुश्मन की आई है आफत, तू लगा दा, तू लगा दा, तू लगा दा, तू लगा पेच, तू दिखा जिगर, तू दिखा तेज, दिखा के लाखों धड़कन की जान है तू, लाखों के दिल की शान है तू, तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू लगा जोर, तू मचा शोर, एक महावीर संतान है तू, ना देश युद्ध, ना धर्म युद्ध, ये है धरती पर कर्म युद्ध, कर्म युद्ध। मुश्किल राहों पर ये जो आसान सफर लगता है, ये मेरे चाहने वालों की दुआओं का असर लगता है। बलशाली बलवान बल्लू पहलवान, बदन भले ही फौलाद सा हो लेकिन दिल बड़ा ही नाजुक, बलशाली है लेकिन शालीनता अपार, बलवान है लेकिन निर्बलों के हमदर्द, मजबूर की मदद के लिए हर वक्त तैयार और भ्रष्टाचारियों के दुश्मन। जी हां, यही तो है इनकी पहचान, सबके प्यारे सुनील कुमार बल्लू पहलवान। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गरीबी की गोद में पहलवानी के दांव पेच सीख कर बड़े हुए, बड़े बड़े सूरमा पहलवानों को पटखनी देने में महारत हासिल हुई तो कुश्ती को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। राज्य में नाम कमाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली और खिताब भी जीते। न सिर्फ अपना और परिवार का नाम रोशन किया, नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। पसीना जब मेहनत से मिला तो शरीर सोने सा निखरा, तमगों की चमक हासिल हुई तो बदन पर खाकी खिली। पहलवान सुनील कुमार सीआरपीएफ में भर्ती हो गए, देश की सेवा करने की सौगंध खाई। ये तो सुनील कुमार की सफलता की शुरुआत भर थी। सफलता का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सुनील को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। ख्याति, खिताब, सरकारी नौकरी, ओहदा, पैसा, पावर, सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी सी थी, कहीं कुछ अधूरा सा था। कुछ तो ऐसा था जो सुनील कुमार को नींद से जगा देता था। दूसरों की गरीबी और गुर्बत को देखकर वो दुखी हो जाते। कहते हैं जब जोश और जज्बा मिल जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, और इसे साबित कर दिखाया सुनील कुमार बल्लू पहलवान ने, जिन्होंने समाज की सेवा करने का जज्बा लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा को अपना धर्म बना लिया। बचपन से ही मतलब मैं देखता आ रहा हूँ इन्हें, मतलब सेवा करने में रुचि है, लोगों की सेवा करना भी उनसे, उन्हें बस अपनापन चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबको अपना समझता, लोग उसकी पूरी इज्जत करते हैं गाँव में, गवांड में। भूख गरीबी देखी हमने, अब नहीं होगा अत्याचार, रिश्वत अब यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार।
ये लड़ाई न तो बल्लू पहलवान की सत्ता की लड़ाई है, न कुर्सी की लड़ाई है। ये लड़ाई है बेरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के भविष्य की लड़ाई। जो आज तक आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है, काबिल होते हुए भी पैसे देकर नौकरियां पाना, क्या है ये? किसी भी भाई को कहीं पर भी एक पैसा रिश्वत देने की नौबत नहीं आने दूंगा। ये आपके भाई का वादा है, ये वचन है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। दूसरों के दुखों को दूर करने वाले सुनील को स्वयं जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। सुनील के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ पिता की मृत्यु का बोझ, तो दूसरी तरफ पिता के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत। जिस पिता ने खुद भूखे रहकर उन्हें मेवे खिलाए, अब उस पिता का कर्ज चुकाना था। एक बेटे का फर्ज निभाना था, जिसे सुनील कुमार ने निभाया भी। अपने माता पिता को अपना आदर्श मानने वाले सुनील ने अपने पिता का दसूरी काज संपन्न किया, युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया। अपनी चमड़ी का जूता पहनाएं, ये भी होगा बहुत ही कम। आशीर्वाद उन्हीं का है जो इस मुकाम तक पहुंचे हम। अभी 14 जून को मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। मेरे पिताजी गुजरने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न एक मैं अपने समाज को, अपने युवा साथियों को एक संदेश दूं, और इसी संदेश को लेकर कि मेरे युवा साथियों की भावनाएं देखेंगे कि भाई अगर बल्लू पहलवान ने अपने पिताजी को इतना सम्मान दिया है तो हम क्यों नहीं दे सकते। सिर्फ ये संदेश देने के लिए मैंने अपने पिताजी का काज किया कि इसमें मेरे साथियों को, मेरे युवा भाइयों को ये प्रेरणा मिलेगी कि माँ बाप जो है वो भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है मेरी पूजा न करके अपने माँ बाप की पूजा करो, भगवान तो तुम्हारे घर में बैठा है, तुम क्यों बाहर भागते फिरते हो। एक ऐसी शख्सियत जो माता पिता के आदर्श बेटे साबित हुए, तो आस्था और धर्म का दामन भी थामे रखा। किसी भी सामाजिक या धार्मिक कामों में पीछे नहीं रहे। दान धर्म कर्म से लेकर दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार। भाई बल्लू जो है बहुत ही मेहनती बालक है और हमारे लिए एक ईसा एरिया की शान बनी है। अब बहुत ही बढ़िया और काम करता रहे, भंडारे करता रहे है, देश काज कराया है, मेला कराया है, इसने जो भी कराया है वो बहुत ही बुढ़ा के लिए बहुत ही भलाई का काम कराया। जितना भी कराया इसने इतना काम कराया है, अब कोई बच्चा कर नहीं। ये सुनील कुमार की आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति ही तो है जो बाबा हरिदास के जन्मदिन पर हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं, और ये सिलसिला साल 2007 से जारी है। हनुमान मंदिर गज्जे वाले में उन्होंने 82,000 रुपए सहयोग किया और धार्मिक काम में बहुत ही मदद करते हैं। उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का कलश चढ़वाया। बल्लू भाई साहब के बारे में बहुत कुछ सुना, अच्छी अच्छी बातें सुनी और पता चला कि अभी हर धर्म के कार्य में बहुत सहयोग देते हैं, और यही बातें सुन के हम भी भाई साहब को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट करने आए हैं। हालचाल पूछते रहते आते रहते हैं लोगों के बीच खूब आराम से, मतलब जो भी कोई भी कोई काम बोलते हैं करते हैं, आगे आते हैं अपने आप। दिल्ली
दिल से नाजुक बल्लू पहलवान से किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। जिला पार्षद होते हुए भी उन्होंने एक विधायक से बढ़कर क्षेत्र में काम करवाए। बल्लू ने कई गांवों में स्टेडियम नहीं था जब ये स्टेडियम बना था और कई गांवों में जिम खुले। चाहे वो लाडली नरेगा जैसी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना हो या बुजुर्गों व विधवाओं की पेंशन बनवाने का, यही नहीं गरीब कन्याओं की शादी करवाने में वो मुमकिन मदद करते हैं। ये सब बड़े स्तर पर करने की लालसा इन्हें राजनीति में ले आई और इन्होंने साल 2010 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की ठानी। लोगों के प्यार और सहयोग ने सुनील कुमार को भारी मतों से जिताया। सारे रिकॉर्ड टूटे, इसी प्यार और सहयोग की जरूरत इन्हें इस बार फिर है ताकि ये अपने इलाके का विकास कर सके। इलाके की जनता के उद्धार के लिए जो तस्वीर इन्होंने सोची है, लोगों की तकदीर बदलने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, उसके लिए इनका चुना जाना बेहद जरूरी है। हमारे हलके की आवाज चंडीगढ़ पहुंचाने के लिए बल्लू पहलवान हमेशा अग्रसर रहे। सुनील कुमार अपना बल्लू भाई, वैसा देवता आदमी हमने तो देखा नहीं। मैं तो दिल से दुआ देऊं और मैं तन्यू कहूँ इसने जिताओ, इसे मानस ने लियाओ। ये आदमी आपके प्रति कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इसको शर्मिंदा होना पड़े और मुझे शर्मिंदा होना पड़े और आप सभी लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आपके भाई बल्लू पहलवान जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी मदद करो, इनको वोट दो। विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत आजमा रहे सुनील कुमार उर्फ बल्लू पहलवान ने अपने इलाके के विकास के लिए जो खाका खींचा है, उसके जरिए लड़कियों की उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया है। कहते हैं ना, एक लड़की को साक्षर बनाओ तो दो घर साक्षर होते हैं। साक्षरता के इसी मिशन को साकार करने के लिए अपने इलाके में लड़कियों के शिक्षण संस्थान खुलवाना, आईटीआई में लड़कियों के लिए नए कोर्स लाना, बेटी पढ़ेगी तो होगा हर तरफ सम्मान, बेटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा हल्का बेरी महान। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बावजूद सुनील कुमार अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनकी यही खासियत उन्हें दूसरे सियासतदानों से अलग करती है। झूठे वादों और झूठे दांवपेच अपना कर राजनीति की बाजी खेलने वाले मक्कार नेताओं को सीधे मैदान में अपनी ईमानदारी और बेदाग छवि से पटखनी देने का मादा अगर किसी में है तो वो हैं सुनील कुमार बल्लू पहलवान। बल्लू का कोई भी किसी कैंडिडेट से कोई मुकाबला नहीं है। हमारे को टिकट मिल गई तो और भी बढ़िया है, और नहीं टिकट मिलती तो हमने दिल्ली खड़ा करानी। किसी पार्टी के पीछे आंख बंद करके लग जाना कोई बढ़िया बात नहीं है। आदमी को देखो, उसके गुण को देखो और तब जाके आप अपने कीमती वोट को उस आदमी को दो जिससे आप बार बार काम भी ले सकते हो। बल्लू पहलवान आपका एक ऐसा नुमाइंदा है जिसको आप उसकी बाजू पकड़ के भी आप उससे बात कर सकते हो। बल्लू पहलवान का ये खास तरीका है, बल्लू पहलवान किसी काम को नाटता नहीं है। हमारे लिए कोई भी मौका पड़ा और हमने बुलाया तुरंत हमारे पास मिला और हमारा काम पूरा तहदिल से किया। सियासी दांव पेंच से दूर सुनील कुमार ने अपने गांव, इलाके और विधानसभा क्षेत्र को विकास का वो मुकाम देने की ठानी है जहां ना अत्याचार हो, न अलगाववाद, न अराजकता और न भ्रष्टाचार हो। बस हो तो सिर्फ खुशहाली, तरक्की, विकास, भाईचारा, रोजगार, आपसी प्यार, सामाजिक व्यवहार। श्री सुनील कुमार जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हमें ईंटों से प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत हमें 10,000 रुपए दिए और बोले कि डम्बल लेके आओ। वे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने हमारे लिए
हमारे गांव में गेम भी करवाए थे और पहला इनाम 31,000 रुपए भी दिलवाया था। वे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बल्लू पहलवान जो है युवा कैंडिडेट हैं और ये बहुत ही होनहार हैं। पूरी मदद करे है किसाना की, जो भी चाहिए, कोई दिक्कत आ रही हो, मील की कोई दिक्कत हो, बिजली में कोई दिक्कत हो, तुरंत टेलीफोन करके तुरंत काम करवावे है। लड़का काबिल है, MLA बनाने के लायक है। युवा नेता है, युवा सोच है और युवाओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए बल्लू भाई का युवाओं साथ दोगे तो भविष्य में रोजगार के अवसर और ज्यादा उत्पन्न होंगे। पहला भी मिलता रहा और करता रहा, कार्यकर्ता होना चाहिए पक्का हमारा, ऊपर सत्र था इसकी बनी रहे। पूरे गाँव की वोट बल्लू पहलवान की होंगी। जादूगर बहरूपियों से बचकर चलना होगा अब, भाई सुनील कुमार को आगे बढ़ाओ मिलकर सब, इरादे हैं मजबूत, सामने है सबूत। अब सुनील कुमार ने अपने हलके की सेवा का संकल्प लिया है। आपसे प्रार्थना है कि सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताएं और बहनें सोच समझकर अपने हलके के विधायक को चुनें। ऐसे मजबूत इरादों वाले सुनील कुमार को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं डेरी हलके से विधायक बनते ही पहला मेरा ये कदम होगा कि मैं एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करूं, जिससे कि मेरे किसी भी आदमी को, किसी भी वोटर को, किसी भी डेरी हलके के किसी भी भाई को परेशानी का सामना न करना पड़े। आप सीधा फोन करें और वो समस्या मेरे तक पहुंचेगी और पहुंचते ही मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। आपको ये सिस्टम हम खत्म कर देंगे कि विधायक कहाँ है, विधायक शुक्रवार को बहादुरगढ़ आएगा, शुक्रवार को बेरी आएगा, मंगलवार को डीगल आएगा, ये समस्याएं हम खत्म कर देंगे। आप तुरंत फोन, कोई भी समस्या हो तुरंत फोन कीजिए, तुरंत समाधान। मेरी आप बेरी हलके के लोगों से अपील है कि आप बल्लू पहलवान जी को अपने भारी मतों से विजयी कराएं। आप उन्हें अपने प्लीज कीमती वोट देके MLA के इलेक्शन में जितवाएं। मैं अपने पापा पे पूरा विश्वास करती हूँ, इस बार भी वो आपकी जरूर मदद करेंगे और करते रहेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि बल्लू पहलवान यहाँ के MLA बने और हमारे खेलों के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन करें। बल्लू पहलवान को अपनी कीमती वोट देकर विजय बनाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बेरी हल्के से हमारे विधायक, हमारे आने वाले समय के विधायक भाई साहब बल्लू साहब हों। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों व बहनों, मैं आपसे अपील करता हूँ, सुनील कुमार और बल्लू पहलवान जो बेरी हल्के से विधायक के उम्मीदवार हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाए। आपने बच्चों से सुना, महिलाओं से जाना, बुजुर्गों ने पहचाना और युवाओं ने माना कि बेरी हल्के के लिए भाई सुनील कुमार से अच्छा विधायक चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये थे उन सैकड़ों में से कुछ गिने चुने लोग जिनके लिए बल्लू पहलवान तो पहले से ही उनके विधायक हैं। अब चुनना है आपको। या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ दूंगा या खुद को धरती पुत्र कहना छोड़ दूंगा, और जिस दिन हिचकिचाऊंगा कहने में हकीकत, उस दिन बेरी में आना और खुद को युवा कहना छोड़ दूंगा। वोट देने जरूर जाए क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपका एक वोट बेरी हल्के की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। चलो जरा उठो जरा, देशभक्ति से भरा नेतृत्व है बुला रहा। ये एक शंखनाद है, पुकारता प्रभात है, उठानी होगी एक लहर, ये निर्णयों का है प्रहर। क्यों मच रहा ये शोर है, ये किसके हाथ डोर है, न पथ से हट तू रुक जरा, धैर्य धर न झुक जरा। ये देश तेरा स्वप्न है, पहचान है, अभिमान है, जो हृदय में धड़क रहा वो तेरा स्वाभिमान है। जो झुक न जाने ना कभी, हर फैसला जो ले अभी, जो लौह के इरादों से रचने को तैयार है, दृढ़ता जिसका अस्त्र है और निर्णय जिसका वार है। ये तट पे खलबली सी क्यों, लहर लहर में घाव क्यों, तू निर्णयों की नाव चुन, वही तो सच्ची नाव है, जो पार लेके जा सके वही तेरा चुनाव है, वही तेरा चुनाव है। मजबूत नेता सुनील कुमार बल्लू पहलवान।